वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की बात करें कि आप सैमसंग गैलेक्सी F13 मोबाइल में दोस्तों आप गेस्चर नेविगेशन को कैसे ऑन करें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने मोबाइल में गेस्चर नेविगेशन को सेट करना या स्वीप गेस्चर नेविगेशन को दोस्तों यूज करना चाहते हैं तो कैसे दोस्तों आप अपने मोबाइल की बटन्स को हाइड करेंगे और अपने मोबाइल में फुल डिस्प्ले सेटिंग ऑन कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, फुल डिस्प्ले सेटिंग ऑन करने के लिए गेस्चर नेविगेशन को सेट करने के लिए अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। और जैसे ही सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से हो जाएगा, आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पे आपको डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको डिस्प्ले के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपको थोड़ा नीचे आ जाना है और यहाँ से दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे। दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है नेविगेशन बार का ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको स्वीप गेस्चर का ऑप्शन देखने को मिलेगा सेकंड नंबर पे, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो बटन्स रहती है वो हाइड हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे आप अपने मोबाइल को चला पाएंगे या दोस्तों आप अपने मोबाइल में फुल डिस्प्ले सेट कर पाएंगे। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल की फुल डिस्प्ले सेटिंग को ऑन कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो सुनने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक्स आते हैं। बाय बाय, टेक केयर।